Hello everyone. We will discuss about minor bridge MNB with abutment and pier type footing and girder type RCC girder type beam. तो इस सेशन में MNB के ऊपर बात करेंगे जिसमें कि एबटमेंट और पेयर के कम्बिनेशन से ये स्ट्रक्चर तैयार होगा और इसमें जो है स्लैब को सपोर्ट करने के लिए RCC गर्डर का यूज़ किया गया है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है अपना ब्रिज का प्लान है और ब्रिज का जो डायमेंशन है, ब्रिज का डायमेंशन क्या है, इस ब्रिज का डायमेंशन उसके लिए ड्राइंग के राइट हैंड साइड पे जाना होगा और यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि इसका जो स्पान है 2 × 16 मीटर, 2 × 16 मीटर का स्पान है। और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का 16 मीटर है और ये एक स्पान हो गया और ये दूसरा स्पान हो गया, तो दो स्पान है। और इसमें जो आपको ये दिख रहा है, ये है एबटमेंट जिसको A1 से रिप्रेजेंट किया गया है, ये है पेयर जिसको P1 से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये है दूसरा एबटमेंट जिसको A2 से रिप्रेजेंट किया गया है, और सारे डेटा इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले अब ये ड्राइंग मिलने के बाद सबसे पहले तो ये ब्रिज जो बनना है, जो स्ट्रक्चर बनना है उसके बारे में समझना पड़ता है, और इसका जो डायमेंशन है जैसे कि 2 × 16 मीटर स्पान है इसका, तो ये समझना है। उसके बाद इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स है जैसे कि एबटमेंट, पियर और गर्डर का इसमें कम्बिनेशन से ये बन रहा है। इसके बाद जो काम करना रहेगा वो आप सबसे पहले इसमें नोट्स को थोड़ा एक बार गो थ्रू हो जाना है। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है इसमें। तो जैसे कि नोट्स में लिखा है ऑल द डायमेंशन आर इन MM, लेबल्स आर इन मीटर एंड चेनीज आर इन किलोमीटर अनलेस अदरवाइज मेंशन, वनली रिटन डायमेंशन आर टू बी फॉलोड, नो डायमेंशन टू बी स्केल्ड। और इसको स्केल से नाप के अपन कोई भी डायमेंशन को नहीं एज्यूम कर सकते हैं, जो इसमें लिखा है उसी डायमेंशन को फॉलो करना है। इसमें जितने भी लेवल्स दिए हैं वो सारे मीटर्स में दिए गए हैं, जो भी मेजरमेंट, जो भी डायमेंशन दिए गए हैं वो MM में दिए गए हैं, और जो चेनीज लिखा हुआ है वो चेनीज जो है किलोमीटर्स में है। और जब तक कि इसके अलावा कुछ कहीं पे मेंशन ना हो तब तक आप एज्यूम नहीं कर सकते, ये चीज़ इस ड्राइंग में साफ साफ लिखा है। और स्केलिंग करके कोई भी डायमेंशन का एज्यूमिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कंक्रीट सेल बी डिज़ाइन मिक्स एंड सेल हैव मिनिमम 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑन 150 mm³ फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर एज इंडिकेटेड बिलो। और जो भी कंक्रीट हम यूज़ करेंगे वो डिज़ाइन मिक्स होना चाहिए, नॉमिनल मिक्स नहीं होना चाहिए। डिज़ाइन जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे सारे मटेरियल को लेबोरेटरी में ले जाके और उसका प्रॉपर जो डिज़ाइन पैरामीटर्स है वो डिज़ाइन पैरामीटर्स को फॉलो करके एक जो डिज़ाइन तैयार करना है, और डिज़ाइन तैयार होने के बाद पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर के लिए जो स्ट्रेंथ दिया गया है, जो स्ट्रेंथ का कंक्रीट दिया गया है उस स्ट्रेंथ का ही कंक्रीट को यूज़ करना है। जैसे कि इसमें सबसे पहले जो दिखा रहा है RCC क्रैश बैरियर, तो RCC क्रैश बैरियर जो है M40 के जो ग्रेड कंक्रीट को यूज़ करना है इसमें। उसके बाद प्रीकास्ट आर सी सी बीम जिसको कि ये प्रीकास्ट RCC गर्डर, इसको गर्डर भी बोल सकते हैं, गर्डर ही बोलते हैं, तो जिसमें उसमें अपने को M35 ग्रेड का जो है कंक्रीट यूज़ करना है। उसके बाद कास्ट इन C2 और प्रीकास्ट, दो यहाँ पे दिख रहा है, तो प्रीकास्ट और कास्ट इन C2 का मतलब क्या होता है इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पहले। कास्ट इन C2 का मतलब होता है कि फॉर्मवर्क लगा के और कास्टिंग करना, और जहाँ पे ये स्ट्रक्चर को प्लेस करना है वहीं पे कास्टिंग करना है। मतलब कास्ट होने के बाद उसका मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए इस वैसे टाइप का स्ट्रक्चर। कास्टिंग प्रोसेस को कास्ट इन C2 बोलते हैं, और प्रीकास्ट मतलब ऐसा होता है कि पहले उसको कोई दूसरे जगह पे कास्टिंग यार्ड पे कास्ट कर लेते हैं, फिर जाके जहाँ पे वो लगना है वहाँ पे प्लेसिंग करते हैं, तो उस प्रोसेस को प्रीकास्ट बोला जाता है, ठीक है। तो प्रीकास्ट जो है इसमें गर्डर के लिए प्रीकास्ट बोला जा रहा है, मतलब गर्डर अपन कहीं पे बनाएंगे, फिर बना के जाके उसमें लॉन्चिंग करेंगे, गर्डर को फिक्सिंग करेंगे, फिर उसके ऊपर जो है शटरिंग लगा के कास्ट इन सीटू स्लैब का, कास्ट इन सीटू स्लैब एंड क्रॉस बीम भी बोल रहा है, तो हम आगे क्रॉस बीम दिखाएंगे। वैसे आपको समझना हो तो ये पार्ट जो है यहाँ से क्रॉस बीम निकला रहता है, ये सारे गर्डर एक दूसरे गर्डर को, और यहाँ भी रहता है, ये तीनों जगह पे सारे एक दूसरे गर्डर को इसमें जॉइंट करके रखने का काम करता है क्रॉस बीम। तो
क्रॉस गर्डर भी उसको भी बोलते हैं। तो क्रॉस गर्डर और जो स्लैब है, डेक स्लैब है, ये दो आइटम्स, दो कंपोनेंट्स जो है वो कास्ट इन सीटू रहेगा, और जो अपना गर्डर है आरसीसी गर्डर वो प्री कास्ट रहेगा। उसके बाद सब स्ट्रक्चर में जो है अपने को M35 कंक्रीट यूज़ करना है। सब स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो अपना पेयर होगा, पेयर का कैप से लेके और फाउंडेशन, जो फाउंडेशन सॉरी साफ्ट फाउंडेशन टॉप, फाउंडेशन टॉप से लेके पेयर टॉप तक का जो पार्ट होता है उसको सब स्ट्रक्चर पार्ट में काउंट किया जाता है। और ये जो प्रीकास्ट आरसीसी बीम, प्रीकास्ट कास्टिंग सीटू स्लैब एंड क्रॉस बीम, ये सब सारे अपने जो है सुपर स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। उसके बाद फाउंडेशन जो है वो M35 से बनना है। उसके बाद अप्रोच स्लैब जो होता है, अप्रोच स्लैब जो कि यहाँ पे आपको देख रहा है, ये जो अप्रोच है ब्रिज पे, जो अप्रोच होना है ब्रिज पे, अप्रोच होने के लिए अप्रोच स्लैब बनता है ताकि यहाँ पे सेटलमेंट ना आए, ये इसलिए यहाँ पे जो है अप्रोच स्लैब बनाया जाता है। तो अप्रोच स्लैब में जो कंक्रीट यूज़ करना है M30 ग्रेड का यूज़ करना है। PCC लेवलिंग कोर्स बिलो फाउंडेशन, फाउंडेशन के बिलो PCC लेवलिंग कोर्स जो है वो M15 का यूज़ करना है। लेवलिंग कोर्स बिलो अप्रोच स्लैब भी M15 यूज़ करना है। उसके बाद बेयरिंग पेडेस्टल एंड सिस्मिक स्टॉपर, जो बेयरिंग पेडेस्टल यहाँ पर ये छोटा जो दिख रहा है, ये जहाँ पर अपना गर्डर रखा गया है इसको बोलते हैं पेडेस्टल, और सेस्मिक स्टॉपर जो होता है वो गर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए पेयर कैप के ऊपर पेडेस्टल के बगल में दो दो बने रहते हैं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कैसा होता है वो। तो ये सारे जो है M40 से बनता है। और उसके बाद द कैरिज वे और प्रोपोज ब्रिज इज डिज़ाइन फॉर 4 लेन ऑफ IRC क्लास ए और 1 लेन ऑफ IRC क्लास 70R+2 लेन ऑफ क्लास ए, 70R × 2 लेन लेंस लोडिंग विच एवर गवर्नस। इसमें जो है लोडिंग कंडीशन के बारे में दिया गया है एज़ पर IRC, इस रिस्पेक्ट में इस ब्रिज को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद अनटेंशन रेनफोर्स्ड स्टील सेल्बी ऑफ थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार, जिसको TMT बार बोलते हैं, अनटेंशन रहना चाहिए, मतलब इसमें कोई टेंसनिंग, प्री टेंसनिंग, पोस्ट टेंसनिंग का कोई भी काम नहीं होना है, इसलिए पहले यहाँ पर अनटेंशन लिखा है। जहाँ पे PSC गर्डर होता है जिसमें वहाँ पे टेंशन लिखा रहेगा, प्री टेंशन रहता है, तो उसको PSC गर्डर बोलते हैं। तो अभी अपन RCC गर्डर का ही बात करेंगे। उसके बाद ग्रेडर FE500D कन्फर्मिंग टू IS 1786, FE500D ग्रेड का जो है स्टील को यूज़ करना है अपने को। उसके बाद 50 mm थिक कंक्रीट वेयरिंग कोट सेल बी प्रोवाइडेड एज पर द मोर्थ स्पेसिफिकेशन 2702.1। तो इसके ऊपर जो वेयरिंग कोर्स है, वेयरिंग कोर्स यहाँ जो है ब्रिज के स्लैब के ऊपर जो डलना है वो 50 mm का डलना है एज़ पर मोर्थ स्पेसिफिकेशन 2702.1। उसके बाद जो है क्लियर कवर ऑफ आउटरमोस्ट स्टील सेल बी एज बिलो, और जब भी हम कोई स्टील का काम करेंगे तो वहाँ पे अपने को कवर कितना प्रोवाइड करना है वो सारे यहाँ पे मेंशन है। क्लियर कवर टू आउटरमोस्ट स्टील सेल बी एज पर बिलो, जिसमें प्रीकास्ट RCC बीम के लिए 40 mm का कवर होना चाहिए, कास्ट इन सीटू डेक स्लैब एंड क्रॉस बीम के लिए भी 40 mm रहना चाहिए, सब स्ट्रक्चर के लिए 50 mm और फाउंडेशन के लिए 75 mm। उसके बाद ऑल स्पेस एक्सकवेटेड एंड नॉट ऑक्यूपाइड बाई द फाउंडेशन एंड अदर पैरामीटर वर्क शैल बी रिफिल्ड विथ अर्थ अप टू सरफेस ऑफ सराउंडिंग ग्राउंड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 300 ऑफ मोर्थ स्पेसिफिकेशन। इन केस ऑफ एक्सकवेशन इन रॉक द एनुलर स्पेस अराउंड द फाउंडेशन सेल बी फिल्ड विद M15 PCC अप टू द टॉप ऑफ द रॉक। यहाँ पे अगर अपन कहीं पे रॉक को एक्सकवेट करके अगर नीचे फाउंडेशन डाल रहे हैं तो रॉक के टॉप तक जो है यहाँ पे अपने को एनुलर फिलिंग जो कि M15 ग्रेड का कंक्रीट होता है उससे इसको फिल करना रहता है। उसके बाद 40 स्ट्रिप सिल टाइप एक्सपेंशन जॉइंट सेल बी प्रोवाइडेड एज पर मोर्थ स्पेसिफिकेशन फॉर रोड एंड ब्रिज वर्क। इसमें जो है जो अपना यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट क्रिएट होगा, इस एक्सपेंशन जॉइंट के लिए ये यहाँ पे दिया गया है कि स्ट्रिप 40 स्ट्रिप सिल टाइप एक्सपेंशन जॉइंट यूज़ करना है। उसके बाद एलास्टोमेरिक बेयरिंग सेल भी यूज्ड, और यहाँ पे जो बेयरिंग है, जो ये बेयरिंग पैड ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये एलास्टोमेरिक बेयरिंग अपने को यूज़ करना है। इसके बाद ऑल एलास्टोमेरिक, इसके बाद क्या है, दिस ड्रॉइंग सेल बी रीड इन कंजंक्शन विद रेलिवेंट
अप्रूव्ड हाईवे ड्राइंग फॉर स्ट्रक्चर ओरिएंटेड SQFRL एंड कैम्बर सरफेस एलिवेशन ETC इफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड इट शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ डिज़ाइन कंसल्टेंट प्रूफ चेकिंग करें। ये तो कोई अगर आपको कुछ लेवल्स या कुछ में ऐसा मतलब प्रॉपर नहीं है, कुछ गलत दिख रहा है, तो आप कंसल्टेंसी टीम को, जो डिज़ाइन कंसल्टेंसी टीम है, उनको इस चीज़ को जो है उनको बताएं, ये चीज़ इसमें मेंशन है। उसके बाद जो है प्रपोज चेंजेस FRL शैल बी चेक्ड एंड कन्फर्म्ड एज पर अप्रूव प्लान एंड प्रोफाइल। और जो FRL है, जो अपना प्लान एंड प्रोफाइल होता है रोड का, उस प्लान एंड प्रोफाइल से ही मैच होना चाहिए FRL। ये चीज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कंसिडरिंग फॉर डिज़ाइन एट इज 30 टन पर मीटर स्क्वायर। बैक फिलिंग बिहाइंड साइड वॉल एंड रिटेन वॉल शैल कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टेड अर्थ कन्फर्मिंग टू अपेंडिक्स 6 ऑफ IRC 78/2014 हैविंग प्रॉपर्टीज़। ये सारे प्रॉपर्टीज़ वो मटेरियल का होना चाहिए जो हम बैग फिलिंग के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद लैपिंग सेल बी स्टैगर्ड, बार सेल बी लैप्ड इन सच अ वे दैट नॉट मोर देन 50% ऑफ द बार आर लैप्ड एट एनी सेक्शन। लैप लेंथ सेल बी प्रोवाइडेड एज एक्स इनटू डी मेंशन इन द टेबल बिलो वेयर डी इज द डाया ऑफ द स्मॉलर बार अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। एक्सपोजर कंडीशन इज मॉडरेट ईजे फॉर एक्सपेंशन जॉइंट। ईजे लिखा है वो है एक्सपेंशन जॉइंट लिखा है। उसके बाद रेफरेंस ड्राइंग यहाँ दिया है, ये सब और इसमें कुछ नहीं है। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ था ये सारा डिस्कस हो चुका है। अब हम ड्राइंग पे आते हैं और ड्राइंग को फोकस करते हैं। तो ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है अपना, ये पार्ट एबटमेंट का पार्ट है। और ड्राइंग में जो ये अपना माइनर ब्रिज का ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग में जो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम एलिवेशन बोलते हैं और ये जो पार्ट है, ये पार्ट को प्लान बोलते हैं। ठीक है, प्लान में अपने को सेक्शन दिखाया रहता है कि कहाँ से किस सेक्शन को दिखा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ए और ए दिखा रहा है, मतलब यहाँ से कट करने के बाद जो अपने को दिखेगा वो ए ए सेक्शन जो है वहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो ऊपर में अपना सेक्शन है ये ए सेक्शन है, मतलब इस ब्रिज को ऐसे यहाँ से कट करने के बाद सामने से ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा बता रहा है। ठीक है, इसमें जो अपन अगर देखेंगे तो ये है फ्लो डायरेक्शन और ये है ट्रैफिक डायरेक्शन। ये फ्लो डायरेक्शन है और ये ट्रैफिक डायरेक्शन है। सबसे पहले जो है आपको फ्लो डायरेक्शन और ट्रैफिक डायरेक्शन को जो है डिफरेंशिएट कर लेना है, जिससे क्या होता है कि समझने में आसानी होता है कि अपन कहाँ से किधर की तरफ ब्रिज को देख रहे हैं, ये समझ में आता है। तो ये ऐसा है कि इसमें ये अपना फ्लो डायरेक्शन है और ये अपना जो है ब्रिज, ये अपना ट्रैफिक डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लान में अगर आप देखेंगे तो प्लान में सिंपल है, ये अप्रोच स्लैब है, अप्रोच स्लैब के बाद ये अपना स्लैब, यहाँ पे अबटमेंट का सारा सिस्टम है, फिर ये बीच में गर्डर है, गर्डर के जो ये आपको दिख रहे हैं ये आपके क्रॉस गर्डर हैं, ये क्रॉस गर्डर हैं जिसको कास्ट इन सीटू करना है। और ये जो सारे हैं ये अपना RCC गर्डर यहाँ पे लिखा भी है, तो ये सारे RCC गर्डर जो है प्रीकास्ट होंगे, साइट पे प्रीकास्टिंग करना होगा, फिर इसका लॉन्चिंग करना रहता है। और ये सारे पेडेस्टल के ऊपर लॉन्च होता है, पेडेस्टल के ऊपर बेयरिंग रखा जाता है और बेयरिंग के ऊपर इसको रखा जाता है। तो इस तरह से दिखाया गया है सारा इसमें। और इसमें जो है अबटमेंट में जो है यहाँ पे अबटमेंट के जो साफ्ट होते हैं उसके साथ साथ इसमें रिटर्न वॉल भी साथ में ही बोलता है, रिटेनिंग वॉल भी साथ में ही बनता है, जो कि यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा। ये यहाँ से यहाँ ऐसे करके और यहाँ से ऐसे करके ये रिटर्न वॉल ये सी टाइप में ऐसा बनता है और दूसरे साइड भी सी टाइप में बनेगा और यहाँ बीच में जो है अपना पेयर बनता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे बना हुआ है। और इसमें आप देख सकते होंगे कि ये जो अपना है ये अबटमेंट है, ये इसको पेयर बोलते हैं और ये भी अबटमेंट है। और इसका जो है A1 A2 P1 इसका नेमिंग कैसे किया जाता है, ये A1 इसलिए बोल रहा है कि रोड इधर से इधर के तरफ का फ्लो है, तो इसलिए ये A1 हो जाएगा और ये A2 हो जाएगा। इसको अपन A1 नहीं बोल सकते, रोड जिधर से मतलब जिधर चेनेज कम आ रहा होगा वो साइड A1 होता है और जिधर चेंजेस ज़्यादा होगा वो A2 होगा। और भी अगर इसमें रहता तो A3 A4 होता, अगर P भी पेयर भी दो तीन रहता है तो P1 P2 P3 करके पेयर भी रहता है इसमें। तो इस तरीके से ये सारे इसमें डिफरेंशिएट किया जाता है। अब इसमें और भी कुछ
जो है, जैसे कि ये HFL यहाँ पे लिखा हुआ है, तो HFL का मतलब होता है हाई फ्लड लेवल। मतलब जो भी यहाँ पे हाई फ्लड लेवल है, जो इसके पिछले डेटा होते हैं, वो सारे डेटा को स्टडी करने के बाद ये HFL डिसाइड किया जाता है, और HFL जितना है उससे ऊपर अपना ब्रिज रहना चाहिए, नहीं तो अगर नीचे है तो वो सबमर्ज्ड ब्रिज हो जाएगा। तो इसलिए ये हाई फ्लड लेवल से ऊपर ही इस ब्रिज का FRL दिया गया है। और ये अपना RCC गर्डर है, ये अपना RCC गर्डर है, ठीक है। तो ये अपना एबटमेंट पेयर, और फिर ये एबटमेंट है, एबटमेंट के ऊपर ये जो है अपना अप्रोच स्लैब है, और ये जो है इसको अपन बोलते हैं डर्ट वॉल। ये जो ऐसा बना है, ये जो लाइन ये जो आपको दिख रहा है, ये पतला सा ये जो सेक्शन है, इसको अपन बोलते हैं डर्ट वॉल बोलते हैं। और डर्ट वॉल में क्या होता है, ब्रैकेट लगता है। ब्रैकेट का क्या यूज़ होता है, ब्रैकेट का यूज है कि अप्रोच स्लैब को होल्ड करने का काम करता है। ब्रैकेट जो है वो अप्रोच स्लैब को जो है होल्ड करने का काम करता है। ये आप अगर देखेंगे तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को हम ब्रैकेट बोलते हैं। ये ब्रैकेट का पोर्शन है और इस पर ये अप्रोच स्लैब को होल्ड करने के लिए बनाया जाता है। ये जो है ये एबटमेंट कैप है, ये एबटमेंट कैप के ऊपर ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल के बाद ये इलास्टोमेरिक बेरिंग है, इसके ऊपर अपना जो है गर्डर लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये जो ऐसा दिख रहा है, ये सारा जो है फिल्टर मीडिया है। फिल्टर मीडिया का जो काम रहता है, वो अगर इधर कुछ वाटर मॉइस्चर आ रहा है तो उसको यहाँ से, ये वीव होल दिख रहा है, इस वीव होल से इसको एस्केप आउट करने का काम करता है। यहाँ पे वीव होल ही लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे कंपोनेंट है, तो इन सारे कंपोनेंट पे डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है अपन माइनर ब्रिज के लिए अपन पहले जो है एक सेक्शन में पेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर एबटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर RCC क्रैश बैरियर के बारे में पढ़ेंगे। एबटमेंट के साथ रिटेनिंग वॉल आ जाएगा, और उसका रिटेनिंग वॉल आ जाएगा आपका, उसके बाद इसमें जो है डर्ट वॉल आ जाएगा। और ये जो वॉल जो कहलाता है, ये वॉल जो पूरा ये खड़ा है, जिस पे अपना जिसके साथ ब्रैकेट जुड़ा हुआ है, उस वॉल को जो बोलते हैं, ये जो वॉल है, ये वॉल को डर्ट वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डर्ट वॉल है, ये आपको दोनों साइड ही देखने को मिलेगा, दोनों ही एबटमेंट में देखने को मिलेगा, ये एबटमेंट में भी और इधर का जो A2 एबटमेंट है, यहाँ भी ये सारे चीज़ें रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सारे डायमेंशन दिया गया है, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर ये 15 मीटर, ये बेरिंग टू बेरिंग का जो डिस्टेंस है, और एक्सपेंशन गैप टू एक्सपेंशन गैप देखेंगे तो 16 मीटर है। तो इसीलिए इसको 2 × 16 का स्पैन इसको बोला गया है, ठीक है। स्पैन 2 × 16 है इस ब्रिज का। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें फिर अब ऐसे ही अलग अलग करके जो है सारे पार्ट्स को इसमें एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि यहाँ पे सारे एबटमेंट्स के जो है सारे यहाँ पे, जैसे कि ये BB सेक्शन BB का बात हो रहा है, तो BB जो है यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ से कट किया गया था, BB किधर से B को कट किया गया, ये देखिए ये यहाँ से इधर की तरफ B को कट किया गया है। मतलब आप अगर रोड की तरफ खड़ा होके देखेंगे तो कैसा दिखेगा आपको, तो ये ऐसा दिखेगा। अगर रोड पे खड़ा होके कट करते हैं सेक्शन और देखते हैं तो ऐसा कुछ ब्रिज देखने को मिलेगा आपको। और ये जो है ये आपका पियर कैप है लेफ्ट साइड का, और ये पियर कैप है राइट साइड का। ये लेफ्ट साइड का है तो ये राइट साइड का है। उसके ऊपर जो ये दिख रहा है ये आपका पियर कैप है, ये जो ऐसा दिख रहा है ये पियर कैप है, ये जो बॉक्स है ये पियर कैप है। पेयर कैप के ऊपर ये पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है सारे, ये पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है। ये पेडेस्टल का साइज़ आप देख रहे होंगे सारे का एक जैसा नहीं है। क्या होता है कि हम पेयर कैप तक जो है लेवल, सारे लेवल्स बराबर ले जाते हैं। मतलब पेयर कैप के बाद हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, जो अपने रोड में कैम्बर दिया गया है उस कैम्बर को एडजस्ट करने के लिए हम पेयर कैप के बाद इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है सारे लेवल्स बराबर रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है पेडेस्टल को, यहाँ पेडेस्टल का हाइट ज़्यादा है, इसको कम करते करते इसमें 2.5% का स्लोप प्रोवाइड कर दिया गया है। उसी तरह के से यहाँ भी जो वहाँ पे FRL होगा और जो भी वहाँ पे कैम्बर दिया गया है, उसी कैम्बर को अपने को मेंटेन करना होगा ब्रिज पे भी। उसके लिए अपन इसी तरीके से करते हैं, और भी कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं कभी, ये जो है कैप को ही थोड़ा नीचे ऐसे डाउन कर देते हैं, एक पार्ट को अप कर देते हैं,
अगर अपने को ज़्यादा कैम्बर जहाँ पे देना है तो ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पार्ट है सिस्मिक स्टॉपर है, ये ऐसे करके इसको होल्ड करके रखा है, और ये भी एक सिस्मिक स्टॉपर है, दो सिस्मिक ट्रांसवर्स स्टॉपर या सिस्मिक स्टॉपर भी इसको बोलते हैं। ये दोनों स्टॉपर लगा रहता है दोनों साइड से। ये अपना क्रैश बैरियर हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका ये जो साइडेड पार्ट है, और ये जितने भी पार्ट ये ऐसे हैचिंग किया हुआ है ये सारे कास्ट इन सीटू पार्ट है, और ये जो है ये आपका प्रीकास्ट रहता है। ये अपना गर्डर दिख रहा है, ये गर्डर का जो है स्टार्टिंग के जो एंड है वो दिख रहा है ऐसा गर्डर, फाइव गर्डर्स एक साइड में, फाइव गर्डर्स लगने हैं 3 4 5, और ये जो है ये अपना इंड क्रॉस गर्डर है, ये दोनों गर्डर को कनेक्ट करता है, फिर यहाँ से यहाँ गर्डर को कनेक्ट करता है, और इसी से स्लैब भी कनेक्ट रहता है, तो जिससे क्या होता है कि सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और स्ट्रेंथ उससे मिलता है ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है पेयर का यहाँ पर सेक्शन दिया गया है, और ये जो है आपका एबटमेंट का है, और ये यहाँ पे सीसी दिखाया गया है, तो सीसी को कट करेंगे तो कहाँ से देखेंगे इसको भी देख लीजिए। ये सीसी यहाँ से कट करके इधर की तरफ देखना है, ये जिधर की तरफ ये पॉइंटेड रहता है उधर की तरफ देखना है। ठीक है, ये इधर की तरफ देख रहे थे तो ये पेयर का सारा चीज़ दिख गया, अब इधर से देखेंगे तो ये एबटमेंट का सब कुछ दिख जाएगा, तो ये एबटमेंट का भी यहाँ पर देख लेते हैं। एबटमेंट में क्या होता है, पूरा ही यहाँ से यहाँ साफ्ट रहता है, एबटमेंट फुटिंग के ऊपर जो वॉल डालते हैं उसको एबटमेंट साफ्ट बोलते हैं। ठीक है, एबटमेंट साफ्ट के ऊपर भी एबटमेंट कैप आता है, एबटमेंट कैप के बाद वहाँ पे डर्ट वॉल भी आता है, और डर्ट वॉल के साथ साथ ब्रैकेट भी लगता है, और सारी चीज़ें सेम रहते हैं। इसमें भी सिस्मिक स्टॉपर लगना है, ये सिस्मिक स्टॉपर है, और ये जो हैचिंग पार्ट दिख रहा है आपको ये एनुलर फिलिंग, जो कि हम आपको बताए थे कि जो फुटिंग होता है वो फुटिंग को कवर करते हैं, कि जैसे कि अगर वाटर के फ्लो में अगर कुछ पत्थर चट्टान अगर ज़्यादा बड़े बड़े आ रहे हैं तो वो अपने स्ट्रक्चर के जो फुटिंग होता है, फुटिंग में जो है टकरा के फुटिंग को कुछ नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए फुटिंग को पूरा M15 कंक्रीट से बाद में कवर कर देते हैं, और इसको एनुलर फिलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो ये दिखा रहा है आपको, ये दो सेक्शन जो दिखा रहा है, ये गडर का दो सेक्शन दिखा रहा है, ये मिड स्पान है और एट सपोर्ट है, मतलब दोनों सपोर्ट, जहाँ पे दो सपोर्ट, ये जो पार्ट आपको दिखा रहा है ये सपोर्ट पार्ट है, ये सपोर्ट पार्ट है, जहाँ पे ये सपोर्ट मतलब जहाँ पे ये टिकता है, जहाँ पे ये रुकता है, ये सपोर्ट पार्ट होता है, और बीच के जो पार्ट होते हैं इंड, जिसको अपन मिड स्पान बोलते हैं, मिड स्पान मतलब यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो है इसका यहाँ से मान सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है ये मिड स्पान है, ये सारे मिड स्पान है, तो ये मिड स्पान के लिए एक सेक्शन है, और एक ये इंड के लिए एक सेक्शन है, दो टाइप के सेक्शन के कम्बिनेशन से ये बनता है। इसको हम और भी अच्छे से आपको फोटोज़ भी शेयर करेंगे, इसका जो केजिंग बनता है, जो स्टील का जो इसका बनाते हैं, स्टील रेनफोर्समेंट तैयार करते हैं, वो सब भी दिखाएंगे आपको फ़ोटो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है कैसे कैसे, जैसे कि जो अपना ये होता है पेयर पे जो है दो पेडस्टल बनता है, क्योंकि वो A1 का भी गर्डर को होल्ड करता है और A2 का भी गर्डर को होल्ड करता है, इसलिए यहाँ पे दो पेडस्टल लगेंगे, और अपने को जो है ये इस पे दो पेडस्टल लगेंगे, और जो अपना एबटमेंट होता है वहाँ पे एक ही पेडस्टल बनेंगे, क्योंकि वो कोई भी एक के लिए एक साइड में ही होल्ड करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब ये डिटेल दिया है, एबटमेंट का सेक्शन दिया है, दोनों साइड से आप देख सकते हैं इसको, और यहाँ से जो है सारे डेटा उठा के जो भी आपको कैलकुलेशन करना हो, जो भी आपको इसका रेनफोर्समेंट देखना हो, रेनफोर्समेंट का PVS बनाना हो, तो यहीं से सारे डायमेंशंस देख के हुए इसको करना पड़ता है। और इसमें भी कुछ डिटेल्स दिए हैं, जैसे कि जैक लोकेशन यहाँ पे होता है, कि कभी कभी क्या है कि अपन जैक के हेल्प से अगर गॉर्डर लंचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है कि जैक के लिए जैक जहाँ पे जैक लोकेशन आता है वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना रहता है, तो उस पार्ट को जैक लोकेशन बोलते हैं। ये जो आपको दिखा रहा है ये पेडेस्टल का सेक्शन दिखा रहा है, इसमें इसका डायमेंशन दिया गया है ये, और ये जो है आपका रिटर्न वॉल है जो एबटमेंट के साथ बनना है, और ये यहाँ पे आपको इलास्टोमेरिक बेरिंग सिस्मिक कर्व ये सब का डिटेल दिया है। तो सारे डिटेल्स यहाँ पे टुकड़े टुकड़े में रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे, और ये लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल से ही आपको पता चलेगा कि ये जो हाइट देना है
जो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, कितना हाइट मेंटेन करना है, ये सारे चीज़ जो है आपको इस लेवल वाले जो सेक्शन है, इस लेवल वाले सेक्शन से पता चलेगा। इसमें केयरफुली आपको देखना रहता है, एबटमेंट कैप टॉप लेवल दिया है, फाउंडेशन लेवल दिया है, ग्राउंड लेवल भी आपको चाहिए तो मिल जाएगा, फाउंडिंग लेवल भी मिल जाएगा, A1 A2 दोनों का मिल जाएगा, जिसका चाहिए वो मिल जाएगा यहाँ पे सब। तो ये सारे चीज़ देख के लेवल्स को भी देखना रहता है। उसके बाद जो आपको मिलेगा, तो यहाँ पे ये जो है एबटमेंट का जो है रेनफोर्समेंट डिटेल है, ये रेनफोर्समेंट ड्राइंग है। यहाँ पे रेनफोर्समेंट ड्राइंग में सारे रेनफोर्समेंट का डिटेल दिया गया है कि अपने को एबटमेंट को कैसे कैसे करके रेडी करना है, कैसे कैसे इसको रेडी करना है। तो ये सारे इसमें डिटेल दिया गया है, जैसे कि एबटमेंट फुटिंग है, एबटमेंट साफ्ट है, उसके बाद रिटर्न वॉल है, उसके बाद एबटमेंट कैप है, उसके बाद डर्ट वॉल है, उसके बाद अप्रोच स्लैब ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब जैसे कि पहले हम ये सारे आइटम्स जो हैं, वैसे हम आपको तो बता दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ, ये आइटम किस किस को ये बोलते हैं। एबटमेंट फुटिंग क्या होता है, ये जो पार्ट है नीचे वाला पार्ट, इस पार्ट को हम एबटमेंट फुटिंग बोलते हैं। उसके बाद एबटमेंट साफ्ट जो है, ये वॉल जो खड़ा होगा, ये ऐसा वॉल जो खड़ा है, ये जो वॉल दिख रहा है आपको, ये वॉल जो है, ये वॉल को कहलाता है, ये वॉल कहलाता है एबटमेंट साफ्ट। और भी अगर अच्छे से देखना है तो यहाँ पे चलते हैं अपन। इसमें देखिए, ये जो वॉल दिख रहा है, ये वॉल है अपना एबटमेंट साफ्ट है। ये एबटमेंट साफ्ट के बाद जो इसमें डिटेल दिया गया था स्टील का, वो स्टील का डिटेल है एबटमेंट साफ्ट के बाद। रिटर्न वॉल, रिटर्न वॉल जो है आपको यहाँ पे हम बता दिए थे कि ये रिटर्न वॉल है। और भी अच्छे से अगर देखना है तो इसको प्लान में भी हम बताए थे वैसे आपको कि रिटर्न वॉल कहाँ अपने को कंस्ट्रक्ट करना रहता है। रिटर्न वॉल ये है, देखिए ये जो यहाँ पे ये बन रहा है, ये रिटेनिंग वॉल है, ये एबटमेंट के साथ अटैच रहता है, ये सी शेप में बनेगा, तो ये एबटमेंट साफ हो जाएगा और ये रिटर्न वॉल इधर की तरफ हो जाता है। इसके बाद आपको रिटेन वॉल के बाद है रिटेनिंग वॉल के बाद एबटमेंट कैप। एबटमेंट कैप यही पोर्शन को एबटमेंट कैप बोलते हैं। ये जो है ये एबटमेंट कैप है, ये एबटमेंट कैप है जिस पे पेडेस्टल डलेगा और जिस पे होल्ड होगा अपना, ये है एबटमेंट कैप, ये है एबटमेंट कैप, ये है एबटमेंट कैप। और भी अच्छे से देखना है तो यहाँ पे आइए, ये जो पार्ट होता है ये पार्ट को एबटमेंट कैप बोलते हैं, ये पार्ट को एबटमेंट कैप बोलते हैं जिसके ऊपर जो है ये पेडेस्टल बनता है। तो ये हो गया आपका एबटमेंट कैप। एबटमेंट कैप के बाद जो है ये सेक्शन जो है एबटमेंट कैप का है। एबटमेंट कैप के बाद डर्ट वॉल, डर्ट वॉल जो है एबटमेंट कैप के बाद जो ब्रैकेट तक जाने वाला वॉल होता है, उसी वॉल को डर्ट वॉल बोलते हैं। ये डर्ट वॉल अगर आपको देखना है तो ये भी देख लीजिए, ये जो वॉल है यहाँ से यहाँ जो वॉल गया है, ये डर्ट वॉल होता है और ये अपना ब्रैकेट है। इसके बाद अप्रोच स्लैब ब्रैकेट, अप्रोच स्लैब ब्रैकेट और डर्ट वॉल बता दिए कि ये ब्रैकेट है अप्रोच स्लैब का और ये डर्ट वॉल, इसके साथ जो वॉल रहता है इसको डर्ट वॉल बोलते हैं। तो ये सारे जो कंपोनेंट थे, ये सारे कंपोनेंट अपने एबटमेंट का कंपोनेंट हो गया। अब अगर पैर का बात करेंगे, फिर उसके बाद पेडेस्टल का भी आपको बता चुके हैं, पेडेस्टल और पेडेस्टल के बाद सस्मिक स्टॉपर रहता है, तो ये अपना सस्मिक स्टॉपर है और ये पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल का डिटेल यहाँ पे दिया है। प्लान सोइंग रेनफोर्स ये सस्मिक का है, ये अपना पेडेस्टल का है। बेरिंग टाइपिकल रेनफोर्समेंट डिटेल ऑफ बेरिंग पेडेस्टल, ठीक है, ये कैप के ऊपर ही बनेगा हमेशा। अब यहाँ पे पैर का बात हो रहा है, ये देखिए पैर के ऊपर जो ये साइडेड पार्ट जो दिया है, ये एनुलर फिलिंग है, ये जो है अपना जो फुटिंग है, फुटिंग को कवर करने के लिए, फुटिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो है ये एनुलर फिलिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी आप सारे वही सेम, ये सेस्मिक स्टॉपर हो गया, ये पेडेस्टल हो गया, पेडेस्टल के ऊपर एलास्टोमेरिक बेरिंग है, ये सारे ये अपना सेस्मिक स्टॉपर हो गया, ये पैर कैप हो गया, पैर कैप के बाद ये पैर का, इसको साफ्ट बोलते हैं, ये साफ्ट इसमें जो है सराउंडेड पार्ट रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा हाफ सर्कल यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा सेम उसी टाइप से बनता है, इसमें रिटर्न वॉल वगैरह नहीं होता है, इसका फुटिंग जो है वो ट्रेपोजिडल टाइप से होता है। और यहाँ पे सारे इसके ये देखिए, बस इसका जो साफ्ट होता है वो साफ्ट के दोनों साइड ये जो है हाफ सर्कल बनता है, हाफ सर्कल ऐसा बना रहता है साफ्ट में,
साफ्ट जो है इसको साफ्ट बोलते हैं, ये जो फुटिंग के बाद ये वॉल जो खड़ा होता है इसको पेयर साफ्ट बोलते हैं। और इसमें ये सारा इसका डिटेल यहाँ पे जो दिया गया है, पेयर फुटिंग तो ये हो गया फुटिंग, और पेयर साफ्ट मतलब ये ऊपर वाला पार्ट हो गया पेयर साफ्ट, और पेयर का जो कैप का जो रेनफोर्समेंट है वो यहाँ पे अलग से दिया गया है। यहाँ पे ये पेयर कैप देखिए, पेयर कैप में क्या होता है कि इसमें अपने को जैक लोकेशन और इसका जो इसमें जो सेस्मिक स्टॉपर नहीं सॉरी पेडस्टल होता है ये बहुत ज़्यादा डालना रहता है, तो इसलिए इसको डालते टाइम थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। ये पेयर कैप तो आपको समझा दिए हैं, ये सेस्मिक स्टॉपर भी आपको समझा दिए क्या होता है। और यहाँ पे ये देख लीजिए, ये टॉप व्यू है, ये पेयर का टॉप व्यू है। यहाँ पे ये सारा जो दिखाया गया है ये सारे पेडस्टल हैं, ये बड़े वाले जो भी हैं सारे पेडस्टल हैं, ये सारे पेडस्टल हैं, और ये बीच में जो छोटे छोटे जाली दिख रहे हैं ये सारे अपने जैक लोकेशन का पॉइंट है, जहाँ पे ये छोटा सा मेस डलता है। ये मेस ऐसा, ये मेस बन के ये लिखा है इन टू लेयर्स एट जैक लोकेशन, जैक लोकेशन में ऐसा दो लेयर का बना के डालना रहता है ये जाली। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको इलास्टोमेरिक बेरिंग के डायमेंशंस वगैरह यहाँ पे दिए रहते हैं, और इसके टाइप्स और सॉरी इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो सारे यहाँ पे मेंशन रहता है। इलास्टोमेरिक पैड, स्टील लैमिनेट्स, 9 थिक इलास्टोमेरिक कवर, ये जो भी यहाँ पे इसका स्पेसिफिकेशन है वो सारा इसमें दिया है। और इलास्टोमेरिक बेरिंग का इसमें इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन भी दिया है, उसके बाद इसका नोट्स भी दिया है, तो इसको अपन बाद में पढ़ के इसको अलग से अच्छे से बता देंगे, इसका अभी इसमें इसको नहीं बताते हैं, अभी ड्राइंग पार्ट को ही अपन कवर करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है डिटेल दिया है, ये आरसीसी गर्डर का डिटेल दिया है। इसी डिटेल को देखते हुए गर्डर का सारे एक्सरसाइज जो अपना उसका क्वांटिटी कैलकुलेशन, उसका रेनफोर्समेंट डिटेल बनाना, उसको कैसा क्या इसका प्लेसिंग है वो सारा समझना रहता है। ये सारे जो है ये क्रॉस गर्डर्स हैं, ये क्रॉस गर्डर्स हैं सारे, ये सारे चीज़ को जो है यहाँ से अपने को देख के ओवरकम करना रहता है। ये अपना जो है गर्डर का फुल डिटेल यहाँ पे दिया गया है, ये गर्डर है आरसीसी गर्डर, इसमें ये प्रीकास्ट है ये बता रहा है, ये इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर, ये बीच में है इसलिए इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर बोलते हैं, और यहाँ पे जो है इसको इंड क्रॉस गर्डर बोलेंगे। तो इसी तरीके से इसमें सारे डिटेल्स दिए हैं। और इसमें गर्डर में एक चीज़ ध्यान देना रहता है कि जहाँ पर हम गर्डर को बनाएंगे तो उसमें प्री कैम्बर प्रोवाइड करना रहता है, ये जो लिखा हुआ है जहाँ पे अपन इसका जो प्रीकास्ट करेंगे वहाँ पे प्री कैम्बर बनाना ज़रूरी रहता है, कि मतलब जो सरफेस हम पीसीसी जो करेंगे वो पीसीसी पूरा लेवल्ड नहीं रहना चाहिए, उसमें इस तरीके से कैम्बर पहले से प्रोवाइड रहना चाहिए। तो ये कैम्बर का यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है, पहले से पीसीसी जो है बीच में थोड़ा सा उठा के रखना रहता है, ये चीज़ को ध्यान देने वाला चीज़ है। और इसको कभी भी अगर कैम्बर प्रीकास्ट आरसीसी गर्डर का काम करते हैं तो वहाँ पे ध्यान देना रहता है। यहाँ पे सारे स्टील्स के डिटेल दिए गए हैं, कहाँ कहाँ कैसे स्टील रेनफोर्समेंट जो है गर्डर के लिए प्रोवाइड करना है, तो इसको जो है बीबीएस के सेक्शन में इन सारे को क्लियर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस गर्डर्स के बारे में दिए गए हैं, उसी तरीके से यहाँ पे स्लैब के बारे में दिए गए हैं। तो इस तरीके से इसमें सारे डिटेल्स रहते हैं, इसमें सारे एक एक डिटेल्स को अलग अलग पार्ट में करके दिया गया रहता है। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी MNB या MJB माइनर ब्रिज और मेजर ब्रिज में कुछ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहता है, सारे कंपोनेंट्स यही रहते हैं, उसमें नंबर्स बढ़ जाते हैं, उसमें पेयर्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे और कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं रहता है, और सारे सेम इसी तरीके से चलता है काम। तो इसमें सारा चीज़ आपको बता दिए हैं, और होप कि ये सारे चीज़ आपको समझ में आ गया हो। अब आगे के लेक्चर्स में जो है एक एक टॉपिक जैसे कि एबटमेंट का पूरा पहले उसका डायमेंशन समझा के उसका क्वांटिटी कंक्रीट का क्वांटिटी निकाल लेंगे, फिर उसका जो है उसमें जो भी स्टील कंजम्पशन है तो स्टील का उसका BBS बना लेंगे, फिर वो ख़त्म हो जाने के बाद अपन जो है पेयर के लिए सारे ये कैलकुलेशंस कर लेंगे, फिर गडर के लिए कर लेंगे। तो ये 2-3 आइटम जो है ये मेन आइटम है, तो ये सारे को अपन डिस्कस करके ख़त्म करेंगे आगे के लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।